गाइस काफी धूप है और सुबह हम अर्ली मॉर्निंग तो हमारा 8-9 बजे होता है क्या अच्छे, तो ब्रेकफास्ट भी हमने नहीं किया है। अब देखते हैं हम वहाँ मलोरी में जाके अगर कहीं जंक फूड हमें मिल जाए तो हम कुछ खा लेंगे लाइट सा, या फिर बनाना वगैरह ले लेंगे, तो वापस आके हम फिर अपना हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे। देखते हैं छोटू अभी गया है, कितना टाइम लगाता है, तब तक हम बाहर निकल के थोड़ा मैं आपको यहाँ का व्यूज़ दिखाता हूँ। तो अभी हम बिल्कुल एक मेन सिटी वाली जगह पे आ गए हैं, तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा व्यूज़ दिखाता हूँ। ठीक,
तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं पहाड़ी कैफे नाम का, ये हमारी मल्होरी जुरिस्डिक्शन में यहाँ पर एक बहुत अच्छा कैफे बना हुआ है और काफ़ी अच्छा कैफे, और ये हमारे पास यहाँ के कुक हैं। और चलिए हम मिलते हैं यहाँ के मैनेजर से जो इस शॉप को असिस्ट कर रहे हैं, तो उनसे रिव्यू लेते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? तो आप बताइए, आप ये पहाड़ी कैफे आपने कब खोला और क्या सोच के आपने मल्होरी के लोगों के लिए खोला और क्या नियत थी इसके पीछे, और यहाँ की जो डिमांड आपने, आप जैसे जानते हैं यहाँ पर दूर दूर तक कोई अच्छी फैसिलिटी वाली शॉप नहीं है, अगर हमें कुछ खाना ही होता तो यहाँ से हमें डोडा जाना पड़ता था, तो आपका, आपके माइंड में ये कैसा आइडिया आया कि कैसे आप इसको वर्क करेंगे, क्या क्या चीज़ें रखेंगे और क्या क्या दिक्कतें आई आपको इस चीज़ को स्टार्ट करने में, और अपनी जर्नी को शुरू से लेकर आज तक के बारे में बताएं पहाड़ी कैफे के बारे में। जी जी ठीक। अच्छा ठीक है। तो जैसे लॉकडाउन में तो उसके बाद में घर आ गया, बेकार में जो मेरे कुक है वो है कैसे हैं आसाम के हड्डी से। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे आप कह रहे थे कि कैफे टाइप खोलना है आपने, तो मैंने कहा हाँ खोलना तो है, आ जाओ। तो वो यहाँ पे आ गए, तो तब से ही कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो क्या क्या दिक्कतें आपको शुरू में आई जब आपने स्टार्ट किया? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ परेशानियां आती क्योंकि ये चीज़ आपके लिए नया था। हाँ, क्योंकि बिल्कुल प्रोफेशन से अलग था, क्योंकि आप टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, तो एकदम आपने शिफ्ट किया एक वर्किंग प्रोफेशन बिजनेस टाइप मॉडल पे, तो आपको कुछ ना कुछ तो थोड़ा अजीब सा लगा होगा शुरू शुरू में, तो क्या क्या आपने एक्चुअली में फेस किया और कैसे उसको बखूबी निभाया? जी पड़ा। अच्छा, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, जो हमारे व्यूवर्स आपको अभी देख रहे हैं, तो आप अपनी जगह का अच्छे से एड्रेस बताएं कि डोडा से यहाँ कितना दूर है, कहाँ से, जम्मू से आते हुए थोड़ा आप उनको अपनी जगह का लोकेशन बताएं, हम यहाँ पे टैग भी कर देंगे लोकेशन का एड्रेस। ठीक है जी जी, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। सर आपने हमें बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। हम ज़रूर अपने यूट्यूबर्स, अब जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल करें और यहाँ पर आके यहाँ के समोसे और जो भी आइटम्स यहाँ के वहाँ का मज़ा लें। जी जी, और भी अगर आप डिमांड करना चाहें तो आप इनसे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं कि आपकी क्या डिमांड। मोस्टली बर्थडे बर्थडे के लिए यहाँ से। अच्छा मंगवाई जाती है, जैसे डोडा हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। कमेंट सेक्शन पे हम आपको इनका नंबर भी डाल देंगे, इन केस आपको कोई चीज़ ऑर्डर करनी हो तो आप इनसे वार्तालाप करके आप मंगा सकते हैं। ओके, आप हमें ध्यान से सुना, आपने इंटरव्यू दिया, थैंक यू वेरी मच। Sometimes we were tight and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. We had our on and offs, baby. Sometimes we were tight and sometimes everything but.
gotta learn just how to forget about you. Forget about you. When you call me up, it sounds so sweet. There's nothing to blame. But when you don't pick up for days on end, I see my mistake. I'm out of patience. Come out and say that it's over now, so I can stop chasing. Smooth and sometimes out of control. Gotta learn just how to be fine without you. Be fine without you. When you call me up and sound so sweet, there's nothing to blame. But when you don't pick up for days on end, I see my mistake. I'm out of patience. Come out and say that it's over now, so I can stop chasing. Sometimes we were tight, and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. बहुत बढ़िया मजा आया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत मज़ा भी आया और काफी थक भी गए, और आप देख सकते हैं हमारे घर का भी वो भी ऑसम लग रहा है, और साथ ही हम अभी नीचे जाके गाड़ी धोने वाले हैं थोड़ा, उसके बाद नहाएंगे भी। आप देख सकते हैं व्यू, वो झंडे कैसे फहरा रहे हैं। आप ये हमारी दादी नीचे। बढ़िया दादी, एकदम फैब्रिक स्टाइल में। गुड गुड डे टू यू। बाय बाय। थैंक यू गाइस, आपने हम सबको ध्यान से सुना। सुबह की जर्नी से लेकर अब तक बहुत टाइम लगा है एडिट करने में इसे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा